डियर स्टूडेंट ध्यान दें, क्लास 11 सब्जेक्ट बायोलॉजी चैप्टर 2 क्लासिफिकेशन आपके एनिमल किंगडम जीव जगत का वर्गीकरण के बारे में आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है। पार्ट 1, 2, 3 आपका खत्म हो गया है। आज आप लोग का पार्ट नंबर 4 चल रहा है जिसमें आपके टॉपिक हैं पादप जगत, एनसीईआरटी पर आधारित किंगडम प्लांटी। पादप जगत क्या है? पादप जगत में वह सभी जीव आते हैं जो यूकैरियोटिक कोशिका के अंतर्गत होते हैं। यूकैरियोटिक के अंतर्गत कोशिका के अंतर्गत पाए जाने वाले जैसे क्लोरोफिल पाए जाने वाले पौधे जो हरे भरे काफी होते हैं, जिनकी पत्तियां ग्रीन होती हैं, क्लोरोफिल के कारण वह सभी निम्न तथा उच्च वर्ग के पौधे यूकैरियोटिक सेल के अंतर्गत आते हैं। ऐसे जीव को पादप कहते हैं जिसके कुछ कीट भक्षी भी पौधे आते हैं। कीट भक्षी पौधे आपने सुना होगा, कीट भक्षी पौधे का नाम जो परजीवी आंशिक रूप से विषम पोषी होते हैं, ऐसे पौधे को कीट भक्षी पौधे कहते हैं। जैसे आप बताइए कौन सा कीट भक्षी पौधा होता है? ब्लैडर वर्म ब्लैडर वर्ड ये कीट भक्षी पौधा होता है जो कीटों का भक्षण करता है। वीनस फ्लाई ट्रैप ये भी कीट भक्षी पौधा है जो कीटों का भक्षण करता है। कीट भक्षी पौधे कहलाते हैं ये पौधे जो कीट भक्षी होते हैं। इसका एक रीजन है क्यों ये कीटों का भक्षण करते हैं, कोई भी स्टूडेंट बतावे कि कीट का भक्षण क्यों करते हैं? क्योंकि ऐसे पौधे में नाइट्रोजन की कमी होती है। ऐसे पौधों में नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है जिसके कारण ये पौधा नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करने के लिए ये कीटों का भक्षण करता है। इस प्रकार से अमरबेल जिसे हम कस्कुटा कहते हैं, ये पौधा कैसा होता है? पूर्णतः परजीवी पौधा होता है और इसके सेलवाल कोशिका भित्ति के बने होते हैं। सेलुलोज नामक पदार्थ से बना होता है। ऐसे पौधे की कोशाभित्त सेलुलोज से बनी होती है और इनकी संरचना के बारे में विस्तृत अध्ययन किया जाता है जो
प्लांटी जगत के अंतर्गत आपके बहुत से पौधे आते हैं, जैसे एल्गी, ब्रायो फाइटा, टेरिडो फाइटा, एनजीओ अस्पर, जिम्नो अस्पर आदि पौधे आते हैं किंगडम प्लांटी के अंतर्गत। ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये सभी पौधे पादप जगत के अंतर्गत आते हैं। अब आगे टॉपिक टू है आपका जन जगत, जिसे किंगडम एनिमेलिया, कहते हैं। जंतु जगत, इस जगत के पौधे विषम पोषी यूकैरियोटिक हैं, जो बहुकोशिक हैं और उसकी कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती है, अर्थात इस जगत के अंतर्गत कोशिका भित्त नहीं पाई जाती है, क्योंकि यही डिफरेंस बनाता है, कोशिका भित्त नहीं होती है। ये भोजन के लिए डायरेक्ट तथा इनडायरेक्ट का निर्माण करते हैं, जो एनिमेलिया के अंतर्गत आते हैं। कुछ जंत पौधे के ऊपर डिपेंड होते हैं, निर्भर होते हैं, क्योंकि पौधा क्या होता है, ऑटोट्रॉफी होते हैं, जिसे हम स्वपोषी कहते हैं। और ऐसे पौधे जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उसे स्वपोषी पौधा कहा जाता है। जैसे आप देखते हैं, सभी हरे पौधे लगभग स्वपोषी होते हैं, क्योंकि ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अधिकांशतः किंगडम एनिमेलिया के अंतर्गत पाए जाने वाले जंतुओं में लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है, इन अधिकतर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं, लैंगिक जनन होते हैं, जिनको हम जंतु जगत के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। और पीढ़ी एकांतरण भी इनका चलता रहता है, अर्थात एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी का लगातार निर्माण होता रहता है। इस प्रकार से जंतु जगत के अंतर्गत सभी उच्च वर्ग के जंतु तथा निम्न वर्ग के जंतु भी आते हैं। थैंक यू।